सलहापर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एवं मींस एंड वेज एंड मींस एडवांस के अतिरिक्त कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को भी हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024 में सब्सक्राइब किया गया। इसके फलस्वरूप राज्य को बाजार दर से 40% कम ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। साथ ही ब्याज दर कम होने से राज्य सरकार पर ब्याज भुगतान का दायित्व भी कम रहेगा। इससे एक और राज्य की विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। वहीं दूसरी ओर ट्रेजरी बिल्स में निवेश से इंटरेस्ट के रूप में आय की प्राप्ति हो रही है। हमारे इस कुशल प्रबंधन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 150 करोड़ रुपए की बजट की बचत अपेक्षित है। इस तरह हमारी सरकार दीर्घकालीन डेप्ट के संबंध में हॉलिस्टिक एवं पर्सपेक्टिव प्लानिंग के आधार पर समुचित कदम उठा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के एडहॉक फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग डेट ट्रैप की स्थिति में आ गई थी। इन्होंने वही छोड़ा हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये बजट भी तैयार किया गया है। वित्तीय संसाधन भी सारे उपलब्ध होंगे और काम भी बहुत अच्छा। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि डबल इंजन की हमारी सरकार के प्रयासों से प्रदेश को केंद्र सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि गत वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त हो सकी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को इसी गत वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ रुपए केंद्र से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ ही राज्य के विकास में भी तेजी आएगी। राजकोषीय घाटा, वर्ष 2017-18 में हम राजकोषीय घाटे को 3.04% के स्तर पर छोड़कर गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में इसको अनियंत्रण रूप से बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके फलस्वरूप 2023-24 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 4.26% तक पहुंच गया। हमने हमारे परिवर्तित अनुमानों में राजकोषीय घाटे को पुनः कम करते हुए 3.93% के स्तर पर लाने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने इस वर्ष भी राजकोषीय घाटे को FRBM द्वारा निर्धारित सीमा में रखा है तथा भविष्य में भी हम इसे FRBM सीमा में ही रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गवर्नमेंट गारंटीज, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने गवर्नमेंट गारंटीज की स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013-14 के अंत में कुल बकाया राजकीय आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटीज 85,911 करोड़ रुपए थी, जो हमारी गत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2018-19 में घटकर 70,430 करोड़ रुपए रह गई थी। परंतु कांग्रेस सरकार द्वारा इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से राजकीय गारंटीज जारी की गई एवं 31 दिसंबर 2023 को बकाया राजकीय गारंटीज 5 साल में ही 50% से भी अधिक बढ़कर 1,08,328 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई। हमारी सरकार राजकीय पर सोच अलग है, विजन अलग है। हमारी सरकार राजकीय गारंटीज FRBM द्वारा निर्धारित सीमा में ही देने के साथ अल्टरनेट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस संबंध में हम वर्ल्ड बैंक एवं ADB जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रोथ स्टेट राज्य सकल घरेलू उत्पाद, माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 2023 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर जो कि 11.58% थी, वह मार्च 2024 में बढ़कर 12.56% हो गई है। इसी प्रकार मैं सदन के सामने ये तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में जीएसडीपी में औसत वृद्धि दर 11.02% रही थी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्शन प्लान के दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 के लिए 16.53% वृद्धि दर का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। आप आंकड़े बता रहे थे तो मैं भी कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। नेता प्रतिनिधि सुनो ना, सुना नहीं, काम की बात सुनी नहीं आपने। बिल्कुल सुनो ना। पूंजीगत व्यय, ये सर्वविदित तथ्य है कि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अधिक राशि व्यय किए जाने से राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलने, जीएसडीपी में वृद्धि होने, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होने, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होने के साथ ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। हमारी सरकार के गत कार्यकाल में औसत पूंजीगत व्यय नेट बोरोइंग का 61.52% था, लेकिन कांग्रेस सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एवं ऋण के का उपयोग थोती बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडक्टिव राजस्व व्यय में किए जाने के परिणाम स्वरूप औसतन पूंजीगत व्यय नेट बोरोइंग का 41.61% तक गिर गया। माननीय सदस्यों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब हम इसे 63.13% तक लाकर गाड़ी को पटरी पर लेके आएंगे। हमारी गत सरकार के कार्यकाल में जहां एवरेज कैपिटल आउटले जीएसडीपी का 2.54% था, वहीं कांग्रेस की रेवड़ी कल्चर के चलते वर्ष 2023-24 तक यह 1.75% के स्तर तक गिर